हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SWA एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो फ्रेंड, इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, यानी कि इसके पहले वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उसमें हमने प्रश्नावली मैट्रिक्स के प्रश्नावली जो होता है 3.1 के पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे, और यह जो है हमारा लेक्चर, इसमें आज हमारा 3.1 यानी कि प्रश्नावली 3.1 आज इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग हमारा 6 से जो आगे क्वेश्चन है उसको हम लोगों को करना है, देखना है, अच्छे से और समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समय न गवाते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई के मान ज्ञात करना, यानी कि और जो हमारा यह समीकरण दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, यह भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। कह रहा है किसमें हमें कंपेयर करके, इन दोनों को आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले कंपेयर करिएगा, और कंपेयर करने के बाद से यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, ठीक, तो y का मान आ जाएगा, फिर यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो z का मान आ जाएगा, फिर यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए हम लोग करते हैं, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स और क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है आपस में जब हम लोग उस क्या करते हैं तुलना करते हैं, तो जो इसके एलिमेंट्स होते हैं और इसके एलिमेंट्स होते हैं आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान फाइंड करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, इससे हम लोग कंपेयर करें, यहाँ पे 4 से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसके, यानी कि 4 ये भी इक्वल है यानी कि बराबर है, तो 4 बराबर यानी जब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को बराबर कर दिया है, यानी कि इसके एलिमेंट भी क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 4 है तो y क्या है बराबर होगा, 4 बराबर y, यानी कि यहाँ से हमारा y का मान आ गया 4, ठीक। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं सेकेंड जो A12 है, यहाँ पे 3 है, 3 बराबर क्या आ गया z, क्या आ गया बाबू z इक्वल टू 3 आ गया। फिर यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं A21 में, A21 के स्थान पे कहा क्या है बाबू, हमारा x क्या है, x है, ठीक, यहाँ पे A21 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि x बराबर क्या होगा 1 होगा, x बराबर 1 होगा, और यही है हमारा x y और z का मान, x का मान 1, y का मान 4 और z का मान 3, ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पे चलते हैं, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड कह रहा है कि इसमें भी x और y का ही मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा 2x2 का है और ये भी हमारा 2x2 का है, यानी कि जो ये अभी है 2x2 का है और ये भी क्या है 2x2 का है, यानी कि ये भी इक्वल है, यहाँ इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, चलिए बराबर करते हैं हम लोग, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसका, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है बाबू, x प्लस वाई बराबर 6, फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कोई असर पद नहीं है, ठीक। फिर यहाँ से कंपेयर करते हैं 5 प्लस जेड बराबर क्या है बाबू, 5 है, 5 प्लस जेड बराबर क्या है 5 है, फिर यहाँ से x इंटू वाई बराबर 8, ठीक है, x इंटू वाई बराबर क्या है बाबू 8 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जेड का मान सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, जेड का जब जेड इक्वल टू इधर यह क्या है 5 प्लस में है, इसको क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे, यानी कि 5 जब इस साइड लाएंगे तो उसके क्या होगी जो चिन्ह होगा प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 5, यानी जेड इक्वल टू कितना आएगा 0, ठीक है बाबू। अब क्या करते हैं, ये हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं x इंटू वाई है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर से क्या करेंगे y को जब हम इधर करेंगे तो कहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 8/y, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन सेकंड है इसको हम इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं, इस सेकंड में एक यानी इक्वेशन सेकंड जो है x बराबर 8/y, इसका जो मान है वैल्यू है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं पुट करते हैं, ठीक है बाबू। फ्रॉम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बाबू, समीकरण ये 2 का मान समीकरण
एक में रखने पर समीकरण एक क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ पे क्या है x बराबर 8 अपन y आ गया है, यानी कि x x की जगह पे क्या आया है 8 अपन y, 8 अपन y प्लस y यहाँ से ऑलरेडी है 6। अब क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे जब तो 8 प्लस y स्क्वायर बाई y बराबर 6। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है बाबू, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से 8 प्लस y स्क्वायर बराबर 6y, ठीक। अब इसको इधर ला देते हैं, ठीक, y स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस में 6 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में जाएगा 6 y प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यानी कि द्विघात समीकरण बन रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, हम इधर सॉल्व करते हैं इसको इरेज करके। यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है यानी कि द्विघात समीकरण बन रहा है, इसको क्या करें द्विघात समीकरण होता है इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जो सी होता है इसको ए में हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ए यहाँ पे इसका क्या करते हैं कोफिशियंट यानी कि जो मल्टीपल है क्या है 1 है, ठीक है, यानी 1 इंटू ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसमें हम सबसे पहले 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 होता है। और 8 का ऐसा हम लोग को फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि बीच में यहाँ पे क्या है 6 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर क्या हो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, यानी कि अगर हम लोग 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा और 2 प्लस 4 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है बाबू, 2 प्लस 4 कर देंगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा, यानी कि 2 4 जाए और 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। इसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे उसको तोड़ देंगे, फैक्टर कर देंगे 8 का, तो सबसे करते हैं तब हम लोग वाई स्क्वायर माइनस, अब इसको 6 है तो माइनस 4 और माइनस 2 में लेते हैं, ठीक है, माइनस 4y, ठीक, माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे आप लोग देखिए y कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, जब 2 कॉमन है यहाँ पे y कॉमन है, जब y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा y, यहाँ पे क्या है माइनस है, अब यहाँ पे क्या है y कॉमन करने क्या बचेगा 4, यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं 2, और माइनस माइनस साथ में कॉमन करिए माइनस 2 कॉमन है, ठीक, तो जब यहाँ से क्या बचेगा 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 आ गया तो केवल 2 अगर बाहर आ गया तो क्या बचेगा y, फिर यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस हम लोग कॉमन लिए हैं, फिर यहाँ से 2 4 जा 8 यानी कि इसमें से 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे देखने यह और यह हमारा जो है बराबर है, यानी इसको क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो जो हम लोग कॉमन लिए उसको क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं y माइनस 4 एक ब्रैकेट में और y माइनस 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब क्या करेंगे दोनों के बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसका पश्चांतर कर देंगे, ठीक है, यानी कि y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया 4, ठीक, और एक आ गया y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया 2, ठीक है बाबू। अब क्या करते हैं y का मान हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है, y का मान इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में पुट करते थे x इंटू वाई बराबर 8 आया था, इस वाले इक्वेशन हम लोग पुट कर दे तो y का मान यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं x बराबर y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, अब यहाँ पे y बराबर 2 रख रहे हैं तो x बराबर इंटू 2 बराबर 8, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x बराबर 8 अपान 2 काटेंगे जब इसको तो कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी कि x बराबर क्या आ गया 4 आ गया, और क्या करेंगे एक बार आया y बराबर 4, फिर जब हम इसी की जगह पे 4 रखेंगे 4 रख देते हैं इसको इरेज कर दे रहे हैं बाबू यहाँ पे, एक बार x इंटू वाई बराबर 8 है
इसमें हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर x इंटू y की जगह पर 4 रख देते हैं, 4 बराबर 8, 4 टू जा 8, यानी कि x बराबर 1 आ गया 2 और 1 आ गया 4 और y बराबर 1 आया है 4 और y बराबर 2 और z का मान हमारा क्या है 0। ठीक है बाबू, यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर आया है 4,2, y बराबर आया है 4,2, इसका है 2,4, ठीक, और z का मान आया है 0। यह हमारा x और y और z का मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पे। अब नहीं तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 को 3 जो है आप लोग प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता दीजिएगा, उसका हम वीडियो तुरंत बना के आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीकरण, यह एक आपका इक्वेशन दिया गया है 2x2 का और मैट्रिक्स है, कह रहा है इसमें से हमें ए बी सी और सी डी का मान क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि हम इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे और ए बी सी डी का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ए माइनस बी ये भी क्या है हमारा 2x2 का है और ये भी क्या है 2x2 का है। ठीक है, यहां से ए माइनस बी बराबर है तो बराबर माइनस वन। ठीक है, सॉल्व, ए माइनस बी बराबर माइनस वन, ए माइनस बी बराबर माइनस वन इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहां से 2ac बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बाबू, ठीक इसी प्रकार जो a21 है उसको हम लोग कंपेयर कर देंगे इसके साथ, यानी a2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0 इक्वेशन 3। यहां से 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13 इक्वेशन 4। ठीक है, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, यहां से a और b का मान हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए आपका a माइनस बी है और यहां पे भी 2a माइनस बी है, क्या करेंगे इस समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या है a माइनस बी बराबर माइनस 1 और क्या है 2a माइनस बी बराबर 0। क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि समीकरण एक और समीकरण तीन को घटाने पर। ठीक है, कभी भी क्या करते इस प्रकार के क्वेश्चन है तो घटाते वक्त बाबू क्या होते हैं नीचे के चिन्ह हमारे बदल जाते हैं, नीचे के चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब यहाँ देख रहे हैं ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि माइनस बी में तो और प्लस प्लस बी में घटाएंगे तो क्या जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे बच रहा है माइनस टू ए और प्लस ए, यानी कि घटाएंगे जब यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस ए, यानी कि यहाँ से माइनस ए बराबर माइनस वन काट देंगे, यहाँ से माइनस तो ए बराबर क्या होगा वन। ठीक है बाबू, ए बराबर वन। अब क्या करते हैं ए का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, ए का मान, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बाबू, अब ए का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 है क्या कह रहा है ए माइनस बी बराबर माइनस ए, ए को उधर ले जाते हैं, ए को उधर लेकर चले जाते हैं तो माइनस बी बराबर माइनस वन और एक का मान क्या है, ए का मान क्या है वन,
ए कमान आया है ह्यूमन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए और ए कमान हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस वन माइनस वन, ठीक ये बराबर का है, माइनस माइनस ये भी हो जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा, माइनस वन बराबर हो जाएगा माइनस टू आपका, माइनस बी बराबर माइनस टू, माइनस से माइनस माइनस कैंसिल यानी कि आपका आ जाएगा बी बराबर दो, बी बराबर दो, बी बराबर यहाँ से आपका टू मिल गया। अब क्या करेंगे, ए का मान समीकरण दो में रखेंगे, ए का मान, ए का मान समीकरण दो में रखने पर, अगर ए का मान समीकरण यहाँ दो में रख दें तो क्या होगा, यहाँ से हमारा सी का मान, सी का वैल्यू आ जाएगा, और जब सी का वैल्यू आ जाएगा तो क्या करेंगे, सी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फोर में रख देंगे तो हमारा बी का मान आ जाएगा। ठीक, ए का मान समीकरण दो में रखते हैं, ए बराबर क्या आया है हमारा वन आया है, और समीकरण क्या है टू ए प्लस सी बराबर पांच, तो टू इंटू वन, एक जगह पे क्या है वन है, वन प्लस सी बराबर पांच, इधर टू इंटू वन करेंगे तो टू प्लस सी बराबर पांच, अब टू है इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि सी बराबर पांच माइनस दो, यानी कि सी बराबर क्या आ गया बाबू तीन आ गया, सी बराबर तीन आ गया, जब सी बराबर तीन आ गया उसी प्रकार हम लोग डी का भी फाइंड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तब लिखेंगे यहाँ पे सी का मान समीकरण फोर में रखने पर, सी का मान समीकरण फोर में रखने पर, सी का मान समीकरण फोर में रख देते हैं, समीकरण फोर क्या है थ्री सी प्लस डी बराबर तेरह, और सी का मान हमारा क्या आया है, सी का मान आया है तेरह तीन, थ्री इंटू सी का मान थ्री प्लस डी बराबर थर्टीन, यानी थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस डी बराबर थर्टीन, अब इधर नाइन प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि डी बराबर थर्टीन माइनस नाइन, तो डी बराबर क्या आ जाएगा फोर, ए बराबर हमारा आया है वन और बी बराबर आया है टू और सी बराबर थ्री और डी बराबर फोर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी संख्या दे दे उस पर क्या करते हैं, उसका अगर मान पूछेगा तो क्या कर देंगे, पहले सबसे पहले यह जो अभी है और यह अभी है इसके बराबर है, यानी कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को क्या करेंगे हम लोग कंपेयर कर देंगे, यानी कि तुलना कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उससे इसको तुलना कर देंगे, इसका जो एलिमेंट रहेगा इसको तुलना कर देंगे, और वहां से हम लोग इक्वेशन, अगर इक्वेशन के रूप में आएगा तो इक्वेशन प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके पाश्चांतर करके हम लोग अपना मान क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट पे, क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है क्या है उसमें ए आई जे एलिमेंट है, और यहाँ पे कह रहा है एम क्रॉस एन का है एक वर्ग आदि है। हम आपको पढ़ाए थे, अगर आप पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़े होंगे जिसमें हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाया था वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह क्या होता है, जब m बराबर n हो, यानी कि m का मान जो, अगर m का मान 2 है तो n का मान क्या होना चाहिए, तुम्हारा 2 होना चाहिए, यानी कि जितना तुम्हारे रो की संख्या होगी उतना ही क्या होगा कालमों की संख्या होगी बाबू, तभी हमारा क्या होता है वर्ग आव्यूह बनता है, यानी कि m बराबर n होना जरूरी है तभी हमारा वर्ग आव्यूह बनेगा, यानी कह रहा एक वर्ग आव्यूह, यानी m बराबर जितना होगा तो m बराबर उतना ही होगा, ये कह रहा यहाँ कह रहा है m इज लेस देन n, ये गलत है, अगर m n से छोटा होगा, m n से छोटा होगा तो तुम्हारा कालमों की संख्या जो होगी ज्यादा होगी और रो की संख्या कम होगी, यानी कि यहाँ पे आपका वर्ग आव्यूह नहीं बन पाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी कह रहा है m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, यानी कि n का मान जो होगा, यानी कि n हमारा कॉलम होता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और m जो होता है वह स्तंभ, यानी कि स्तंभ कह रहा है सॉरी, रो यानी पंक्ति का रिप्रेजेंट करता है, m जो होगा उसका मान अधिक होगा, यानी कि रो का मान अधिक होगा और n का मान कम होगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यह दोनों वर्ग का भी नहीं बना पाएंगे यार। अब यहाँ कह रहा है m बराबर n, यानी कि m बराबर n, m की जगह पर अगर हम लोग दो ले लें,
m की जगह पे 2 ले लें और n की जगह पे भी क्या करें 2 लें, 2 और 2 आपस में बराबर है, यानी कि एक अभी a11 और a12 और a21 a22 यहां पर हम देखें तो m into n होता है, m क्रॉस n होता है, m बराबर n हो गया, यानी m बराबर n यानी कि 2 बराबर 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, यानी कि जब 2 क्रॉस 2 होगा चाहे 3 क्रॉस 3 होगा 4 क्रॉस 4 होगा, यानी कि m बराबर n, यानी कि m की जगह पे n रख सकते हैं, n की जगह पे m m रख सकते हैं, m into n का हो या चाहे n into n का हो, तब होगा हमारा वर्ग आदेश, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x तथा y के प्रोडक्ट किन मानों के लिए अभिमों के निम्नलिखित युग्म समान है, यहां से हमारे करें किस मान के प्रोडक्ट किस मान के लिए, x और y के प्रोडक्ट किस मान के लिए हमारे निम्नलिखित जो युग्म है वह समान है, ऑप्शन में दिया है तो पहले हम इसको क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं, 3x + 7 5y + 1 2 - 3x इसको क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं इसके 0y - 2 यहां पर देख रहे हैं 8 और 4 क्या है 4 यहां पर देख रहे हैं बाबू, इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस एलिमेंट के क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, ठीक तो यहां पे 3x + 7 = 0 आ गया, 3x + 7 = 0 होते हैं, हम लोग x का मान क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं, x का मान फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 3x - 7 और x बराबर आ गया हमारा -7/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x 3 मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक, फिर यहाँ से हम लोग इससे कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि 5 = y - 2, अब यहाँ -2 है उधर इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि y = 5 + 2 यानी कि y = 7 यहाँ से y और x का मान क्या हो गया निकल गया, और देखिए आप लोग यहाँ से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं y + 1 = 8 यानी कि y = 8 - 1 और y = 7 यहाँ पर देखिए, और फिर यहां से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इससे और इससे 2 - 3x = 4 तो यहाँ पे आपका -3x = यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4 - 2 तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे -3x, इधर -3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि यहाँ पे भी आ गया आपका -2/3 x = -2/3, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं x = -2/3 आ रहा है और यहाँ पे x = -7/3 हो रहा है, यानी कि कहता है अभी एक इक्वेशन में x का डबल मान नहीं होता है चाहे y का डबल मान नहीं होता हो सकता है, अगर x है तो उसका केवल एक ही मान आ सकता है और y है तो उसका केवल एक ही मान आ सकता है, ठीक है बाबू, अब इसमें क्या है y का मान तो हमारा सेम आ गया 7/7, ठीक, लेकिन जो हमारा x है उसका मान क्या है भिन्न भिन्न है, यानी कि कोई भी इक्वेशन में मैट्रिक्स के कोई भी इक्वेशन में जब अचर पद होते हैं अचर पद के क्या होते हैं मान क्या होते हैं एक इक्वेशन में एक ही आते हैं अलग अलग नहीं आते हैं, यहां से प्रूफ होता है कि यह हमारा क्या होगा इसका मान क्या ज्ञात करना संभव नहीं होगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम आपको एक बार समझा देते हैं, यहां से हमने इक्वेशन को क्या किया बराबर किए फिर इस एलिमेंट के बराबर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बराबर इस एलिमेंट को किया है और यहां से करके x का मान निकाल लिए हैं और यहां से करके y का मान निकाल लिए हैं और फिर यहां से y का मान निकाल लिए इससे कंपेयर करके और यहां से 2 - 3x का कंपेयर करके बराबर 4 करके यहां से हमने x का मान फाइंड करें, इसका मान और इसका मान क्या होगा अलग अलग आ रहा है, इसका मान आ रहा है हमारा -7/3 और इससे कंपेयर करेंगे तो इसका मान आ रहा है -2/3, ठीक, और यहाँ पे
कंपेयर कर रहे हैं वाई माइनस टू फाइव का, तो इसका मान सेवन और इसका मान सेवन, यानी वाई का मान तो समान आ रहा है पर एक्स का मान क्या है डिफरेंट आ रहा है, यानी कि वाई का मान समान आ रहा है इसका मान क्या होगा समान होना चाहिए, इसी कारण यह समान नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या होगा ज्ञात करना हमारा संभव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे। क्वेश्चन नंबर टेन कह रहे हैं थ्री प्लस थ्री कोटि के ऐसे आवयवों की कुल स्थिति कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट जीरो या वन हो। कह रहे हैं थ्री क्लास थ्री, यानी कि एक ऐसा अवयव जो थ्री क्लास थ्री का हो और उनमें प्रविष्ट यानी प्रविष्ट यानी एंट्री यानी कि जो उसका एंट्री होगा जीरो और वन का कुल कितनी संख्या होंगे एक थ्री क्लास थ्री कोटि के अवयव में। थ्री क्लास थ्री यानी कि हम कहते हैं एम इंटू एन, यानी कि थ्री क्लास थ्री एक एम इंटू एन, यानी कि जब अवयव कुल संख्या ज्ञात करना होता है एम इंटू एन करते हैं अवयवों की कुल संख्या, अवयव की कुल संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एम इंटू एन होता है यानी कि थ्री इंटू थ्री कर देंगे तो हमारे टोटल आ जाएगा, यानी कि नौ जो होंगे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। लेकिन ये कह रहा है जीरो और वन की प्रविष्ट यानी कि जीरो और या वन का कितनी बार क्या कहते हैं प्रत्येक कितनी बार एंट्री होती है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है टू के पावर एन, और जो एन होता है यही हमारा होता है यानी नाइन, जो हमारे एम इंटू एन यानी कि जो टोटल अवयवों की संख्या आती है वही हमारा एन का मान होता है। यानी यहाँ पे टू इंटू टू कर दे, फोर इंटू टू कर दे, चाहे फोर इंटू फोर कर दे, ठीक है फाइव इंटू फाइव कोई भी कर दे, जब हम टोटल अवयवों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और पूछ देगा जीरो या वन पे प्रविष्ट कितनी होगी तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे टू के पावर एन कर देंगे, और टू के पावर एन यानी कि टू के पावर नाइन, और जब टू के पावर नाइन कर देंगे यानी कि टू दो का नौ बार मल्टीप्लाई हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू टू इंटू टू यानी कि टू का इतनी बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा जीरो और वन की प्रविष्ट, यानी कि दो दूना चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस दूनी चौसठ दूनी एक सौ अट्ठाईस दूनी दो सौ छप्पन दूनी दो सौ पांच सौ बारह, यानी कि टोटल जो हमारे जीरो या वन की प्रविष्ट होगी कितना होगी बाबू टू के पावर नाइन बराबर पांच सौ बारह, कितना होगी पांच सौ बारह, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि हमारा 3.1 का जो लेक्चर होगा वह आपको पार्ट वन और पार्ट टू में क्या कहते हैं मिलेगा, और एकदम पूर्ण विश्वास है आपको कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे और हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे सपोर्ट करने के बाद। तो क्या करिएगा आप लोग इस लेक्चर को चाहे हमारे जो भी वीडियो उसको आप लोग अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा सपोर्ट हो सके आपके प्रति आपके तरफ से, और हम लोग अच्छे तरीके से और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।